जग भी पैदा हुई, रॉकी नाम का इतिहास भी। से लेकर 1981 तक 16 देशों में रॉकी ने बहुत क्राइम्स किए हैं। फिल्म देखी होगी तो आप सभी का ये सवाल होगा कि क्या हमें केजीएफ चैप्टर 3 कभी देखने को मिलेगी भी या नहीं। पर अब केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर काफी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। वैसे तो इस बात की कंफर्मेशन केजीएफ चैप्टर 2 के एंडिंग में ही हो गई थी कि केजीएफ चैप्टर 3 जरूर बनेगी और जल्द से जल्द बनेगी, पर अब हाल ही में खुद फिल्म के मेकर्स ने केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू हो जाएगी। केजीएफ चैप्टर 3 के अनाउंसमेंट के बाद सभी लोगों का सवाल है कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी। और जैसा कि हमने फिल्म की एंडिंग में देखा था कि एयरफोर्स के हमले के बाद रॉकी भाई का सोने से भरा हुआ शिप पानी में डूब गया था और पानी में डूबते हुए रॉकी भाई की हमको एक झलक भी देखने को मिली थी, पर हमें ये क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि रॉकी भाई जिंदा है या नहीं। पर अगर केजीएफ चैप्टर 3 बनेगी तो भाई रॉकी भाई तो जरूर जिंदा होंगे। अब देखना तो ये होगा कि प्रशांत नील फिल्म की स्टोरी को किस मोड़ पर लेके जाते हैं और फिल्म में हमें और कितना जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। फिल्म में अभी यश और रवीना टंडन जिंदा है, इसीलिए नेक्स्ट स्टोरी इन्हीं पर बेस्ड हो सकती है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी। मेकर्स की तरफ से फिल्म की अनाउंसमेंट तो कर दी गई है। मेकर्स का कहना है कि फिल्म की शूटिंग 2025 में स्टार्ट हो जाएगी और फिल्म की शूटिंग में लगभग 1 से 1.5 साल का समय तो लगेगा ही, इसलिए हो सकता है कि फिल्म हमें 2026 के लास्ट तक देखने को मिल जाए। अभी प्रशांत नील अपनी सालार फिल्म में बिजी हैं और सालार फिल्म के बाद इनकी जूनियर एनटीआर के साथ एनटीआर 31 फिल्म आने वाली है जो 2024 के लास्ट में रिलीज होगी। इसीलिए इन दोनों प्रोजेक्ट के बाद प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 3 पर काम शुरू करेंगे। इसलिए मेकर्स ने 2025 में केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट करने का टारगेट रखा है। केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने के बाद जिस तरह से लोगों में चैप्टर 3 को लेकर हाइप बनी हुई है, वैसी हाइप कभी बाहुबली 2 के लिए बनी थी। अब देखना तो ये होगा कि केजीएफ चैप्टर 3 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। केजीएफ चैप्टर 2 ने सभी लोगों को बिल्कुल हैरान कर दिया था और जिस तरह से प्रशांत नील ने सिर्फ 100 करोड़ के कम बजट में एक 1200 करोड़ की ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाई और फिल्म में जिस तरह के सीन्स थे उसने तो सभी को अपना दीवाना बना दिया। इन सब ने लोगों का दिल जीत लिया था। अब देखना तो ये होगा कि प्रशांत नील चैप्टर 3 में क्या लेकर आते हैं। काफी लोग इस बात से भी खुश हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 की अनाउंसमेंट तो हो गई है, नहीं तो कई लोग सोच रहे थे कि हमें केजीएफ चैप्टर 3 देखने को मिलेगी भी कि नहीं। पर मेकर्स के अनाउंसमेंट के बाद हमें ये बात तो फाइनल हो गई है कि देरी से ही सही केजीएफ चैप्टर 3 बनेगी जरूर। काफी लोग कह रहे हैं कि प्रशांत नील की सालार फिल्म में हमें रॉकी भाई का कैमियो देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें केजीएफ चैप्टर 3 में प्रभास का भी कैमियो देखने को मिलेगा, जिससे फिल्म और काफी बड़ी फिल्म हो जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।